अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम हैं एक नई जगह पे। आज हम आए हैं बुदापेस्ट। हम अभी लैंड की हैं ब्रसल से इधर, और आज और कल दो दिन हैं हमारे पास। हम बुदापेस्ट एक्सप्लोर करेंगे, आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे और क्या क्या इधर देखने वाली जगह हैं और क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ट्राई करने वाली हैं, मुझे भी नहीं पता। आएँ मिल के सारे एक्सप्लोर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बुदापेस्ट का जो मेट्रो सिस्टम है ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट है यूरोप के अंदर। मगर जिस अभी मेट्रो में हम आए हैं, जिसमें मैंने आपको वीडियो वगैरह भी दिखाई है, ये थोड़ा रिलेटिवली न्यू है। कोचेस बड़ी साफ सुथरी हैं और ये काफ़ी गहरा है। लाइक 3-4 स्टोरी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं सरफेस के ऊपर। बाकी आपको मज़ीद हम दिखाते हैं जैसे जैसे हमें पता लगती है। हम अभी सेंट्रल मार्केट के अंदर आ गए हैं और ये पीछे देख सकते हैं, ये बड़ी ग्रैंड बाज़ार वाली वाइब्स और वो फील्स दे रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जगहों पे ना आपको इनकी हंगेरियन पेपरिका पेपर की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। और ये पीछे एक ये भी है, चिमनी केक भी है, ये भी हमने ट्राई नहीं किया। ट्राई करेंगे कुछ लंच करने के बाद और आपको फिर बताएँगे कि कैसा है। तो साथ रहें हमारे। यार मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पोइट हैं वोरो स्मार्टी। ये बैठ के सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप भी कुछ करें ज़िंदगी में और हम आगे चलते हैं। हेलो, हम सेंट स्टीफन्स चर्च के बसिलिका के सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं। सेंट स्टीफन्स चर्च जो है, ये जो स्टीफन थे हंगरी के पहले किंग, उनके नाम पे बनाई गई है, जिन्हें 10th सेंचुरी में इन्होंने हंगरी को रूल किया था। ये पेस्ट साइट के ऊपर है। एक मज़े की बात, आपने बुदापेस्ट को सुना होगा कि ये दो शहर हैं। ये दो शहर इसलिए हैं कि बुदा जो है वो एक हिली साइड है और पेस्ट जो है वो थोड़े फ्लैट प्लेन्स थे, और ये दरिया से जो हैं वो डिवाइडेड हैं, इसलिए दोनों का एवोल्यूशन हिस्ट्री और उसमें बहुत अलग अलग हुई। मगर 19th और 20th सेंचुरी में ये डिसाइड किया गया था कि दोनों को जोड़ के एक नया शहर बुदापेस्ट को बना दिया जाए। Thank you.
हम इस टाइम बुदा साइट पे खड़े हैं, बुदा साइट बुदापेस्ट की जो है हिली साइट। यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेरेन का डिफरेंस है उसकी वजह से कल्चरल डिफरेंस और आर्किटेक्चरल डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम हम मैथ्यूज चर्च के सामने खड़े हैं। मैथ्यूज वो जो किंग, एक हंगरी के किंग थे, उनके नाम पे है और ये पूरा जो है बुदा कासल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है। ये बहुत वसी पैमाने पर है और यहाँ पर वो भी है, डिफरेंट कासल भी हैं और ये कम्प्लीट हुआ था 13th century के अंदर। उससे लेके तब तक 19th century तक ये रॉयल पैलेस भी पूरा डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता था। पीछे जो ये स्टैचू है ये आजकल टूरिस्ट के लिए बंद है, मगर इसको भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ इसको कहते हैं। एक छोटी बच्ची है जो कि एक ऑलिव लीव है, प्रोबेबली उसकी ब्रांच है, उसको लेके उठाया हुआ है कॉन्फिडेंस के साथ और काफ़ी हाइट के ऊपर है और ये गैलेट हिल के ऊपर है। काफ़ी कोई 15-20 मिनट की हाइक है, उसके बाद आप यहाँ पहुँचते हैं। मे बी चंद माह में ये खुल जाए मरम्मत के बाद। अभी हम खड़े हैं डनूब रिवर के ऊपर। ये यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कि जो जर्मनी से शुरू होता है और यूक्रेन में ख़त्म होता है। ये वाहिद दरिया है कि जो कि चार यूरोपियन कैपिटल से होता हुआ गुजरता है, वियना, बुदापेस्ट, बेलग्रेड और ब्रैटिस्लावा। इसकी दरिया की जो एवरेज जो डेप्थ है वो अराउंड 6 meters है और इसका जो वाटर फ्लो है आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो इंडस का वाटर फ्लो है, अराउंड 150,000 cubic इसका फ्लो है एनुअल। और ये इसका ऑस्ट्रियन और ये सेंट्रल यूरोपियन और सदर यूरोपियन जो ट्रेड है उसमें इसका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। और ये डोनोब रिवर को और रेन रिवर को जो जर्मनी से गुजरता है उसको ये एक लिंक कैनाल भी कनेक्ट करती है फिलहाल। और अभी हम खड़े हुए हैं बुदापेस्ट के एक मशहूर चेन ब्रिज के ऊपर जो कि बहुत ही खूबसूरत है और गोथिक आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। बस डनूब रिवर के साहिल पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ज्यूज़ का मेमोरियल है। ये उन ज्यूज़ की याद में बनाया गया है जो कि फैशिस लीडर जो था हंगरी का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, उसके दौरान उनको एग्जीक्यूट किया गया।
एक सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने अपने डार्क पीरियड के लिए ऊपर भी एक मेमोरियल बनाया ताकि उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर सकें और आने वाली नस्लों को अपने उस पास्ट जो हिस्ट्री है उसे एक सबक सिखा सकें। ये हम सब के लिए भी एक लेसन है। इस टाइम जो हंगरी पार्लियामेंट है, हंगेरियन पार्लियामेंट, उसके बाहर खड़े हैं। ये हंगरी की और बुदापेस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि न्यू गॉथिक स्टाइल में बनाई गई थी 1902 में, और ये आज तक हंगरी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अब जैसे कि देख सकते हैं इसकी डिटेल और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और हम कोशिश करेंगे हम अंदर जाके भी आपको इसकी तस्वीरें वगैरह दिखाएँ, मगर फ़िलहाल आप बाहर से व्यू देखें। अभी हम एक हाउस ऑफ टेरर्स के बाहर खड़े हैं। हाउस ऑफ टेरर्स कोई खौफनाक वाली जगह नहीं है, बट ये अपनी जो प्रीवियस डार्क हिस्ट्री है उसको ये हाउस ऑफ टेरर्स कहते हैं। बेसिकली म्यूजियम है नाजी और कम्युनिस्ट जो पास्ट है हंगरी का, उसके यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह रखे गए हैं। मैं खुद अभी अंदर नहीं गया, आपको जाते हैं सब चीज़ें दिखाते हैं, मगर मोस्टली जो अभी तक यानी कि पता है ये बिल्डिंग जो थी ये थी पहले कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर्स था जहाँ पे लोगों को एग्जीक्यूट और टॉर्चर किया जाता था। बाद में कम्युनिस्ट टाइम और बाद में जो हंगरी की जो सीक्रेट सर्विस थी वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी गई थी। तो 1930 से ऑनवर्ड से इसकी है कम्युनिस्ट जो थी नई एक्टिविटीज़ वाली थी, मगर अब ये एज अ म्यूज़ियम है ताकि आने वाले वक्त को पीछे वाले वक्त से देखा जाए। अभी हम बुदापेस्ट की एक बहुत मशहूर जो स्ट्रीट फूड है चिमनी केक, हम वो ट्राई करने लगे हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, सिनेमन, वॉलनट या चॉकलेट टॉपिंग या स्प्रिंकल्स आप लगा सकते हैं, अंदर आप विप क्रीम या आइसक्रीम या नटेला कुछ भी लगा सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करने लगे हैं फर्स्ट बाइट। ये आई हैव अ फ्रेंड विद मी जेरेमी एंड ही इज़ ऑल्सो टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ इज़ इट? It's okay. It's good. Cinnamon. Yeah, it's a good light street snack if you want to try. So, zarur try karein. Thank you.